कितने फूडी हैं आप, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए। अरे इंडिया में फूडी कौन नहीं है। तो मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद है अलग अलग किस्म का खाना खाना, अलग अलग जगह जाके जब ट्रैवल करता है ना इंसान, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हाँ ट्रैवल तो करा, एक नई जगह देखी, लेकिन यहाँ पे खाने के लिए क्या है। तो जो हमारा काम है उसमें हम लकी हैं कि हम अलग अलग जाते हैं और वहाँ पे खाने को हमें मौका मिलता है। लेकिन दैट इज़ वाई जब ऐसी चीज़ इंडिया में आती है जो बाहर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उन लोगों को मौका मिलता है जो बाहर नहीं जा पाते, राइट। तो जैसे कि हमने बोला कि जो डोनर एंड जायरोज़ है, ये काफ़ी जगह प्रसिद्ध है, काफ़ी जगह ऑलरेडी एक हिट चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग इसको इंडिया में लाए। और यहाँ पर आई वांट टू कंग्रेचुलेट रवि जिनका ये फ्रेंचाइजी है, एंड प्रतीक जिन्होंने इसका पूरा प्रमोशन किया है। क्योंकि आजकल ना खाना तो सबको पसंद है, लेकिन साथ में हाइजीनिक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि सब फिटनेस में है, सब अवेयर हो गए आजकल, सबको पता है कि क्या चीज़ सही है आपके लिए क्या नहीं है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है, टेस्ट भी है, स्ट्रीट फूड भी है, लेकिन हाइजीनिक है, साफ है, और फिट लोगों के लिए भी इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ इंडिया के डोनर एंड जायरोज में है कि बाहर ज़्यादा वेजिटेरियन वैरायटी नहीं है, लेकिन इंडिया में लोग वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ पर जब ये बैठे अपने फॉरेन काउंटर पार्ट के साथ, वहाँ पे हमने बोला कि यार अगर आप इंडिया में ला रहे हो तो बिना वेजिटेरियन ऑप्शंस के हम लोग नहीं कर पाएंगे, और हमारे को अपने सारे जितने भी हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं उनको वो ऑप्शन देना है। तो कुछ ऐसा मेन्यू में यहाँ पर चीज़ें जो बाहर के डोनर एंड जायरोज में भी नहीं है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एज इंडियंस हमने ये केटर किया एक फॉरेन ब्रांड में भी कि हमारे लोगों को वो मिले जो उनको चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं। एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको टेस्ट भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, वो आपको एक जगह मिल जाए, वो आजकल जो यूथ है उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो हेल्दी भी रहना चाहते हैं पर दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन फन। तो इंस्टेड ऑफ कि बाहर जाओ और यू नो हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारे घर पर क्यों नहीं ये चीज़ें हमें मिल सकती, वाई शुड वी गो आउट एंड डू इट, और हमें इतनी कोशिश क्यों करनी है, हमारे पास ही ये सब सहूलतें होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई आई एम हैप्पी कि इतना अच्छा यू नो मौका मिल रहा है यहीं पर। शिकागो और बर्लिन का जो स्ट्रीट फूड है, जो डोनर एंड जायरोज वर्ल्ड में इतना प्रसिद्ध है, वो यहीं पर आपको अपने घर में मिल रहा है, तो खुशी की बात है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। प्रतीक आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतीक कहते कम है बट जो कहते हैं सही कहते हैं, चलो रणवीर जी का भी कोलैबोरेशन होगा इसमें या फिर क्या सोचा है आपने? ऑलरेडी है, बिल्कुल कोलैबोरेशन है, पर इसमें यही है कि हमें इतना ही है कि सपोर्ट है, मतलब हम सपोर्ट के लिए ही साथ हैं एक दूसरे की, और हमने भैया की सपोर्ट से काफ़ी ग्रो भी करा है। ये बात बिल्कुल है कि हमारे ब्रांड ने जो आज इंडिया में ग्रोथ की है, आज हमने 6 मंथ में 23 स्टोर्स किए हैं इंडिया में, और हमारे ब्रांड ने 10 साल के अंदर वहाँ 43 स्टोर्स किए थे 10 इयर्स में। तो जो हमारी ग्रोथ है ऑफकोर्स इनकी वजह से है, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि इन्हीं की वजह से आज D&G जो इंडिया में स्टैंड हुआ है वो रणविजय जी के कारण हुआ है, और हमारी कोशिश ये है कि हम हेल्दी फूड। मैं मतलब ये सही अपने तरीके से, मुझे लग रहा है जो क्वालिटी ऑफ फूड है ना और जो क्वालिटी ऑफ हमारे पार्टनर्स हैं उसमें हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक और मैं जब भी किसी को मिलते हैं और हमारे एक और पार्टनर, हम वैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं जो जिनकी हमारी तरह आइडियोलॉजी हो, जो हाँ इसको जो स्टैंडर्ड बाहर का है उसी पे रखेंगे, स्टैंडर्ड पे बिल्कुल ऐसा ना हो कि जब यहाँ पे लोग आए बोले कि अरे ये तो वैसा ही हो गया जैसे बाकी का, नहीं, इट हैज़ टू बी क्लीन हाइजीनिक एंड द स्टैंडर्ड हैज़ टू बी इंटरनेशनल, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार हमें भी वही मिल रहा है जो अगर हम दुबई जाएँ या जर्मनी में कहीं जाएँ या अमेरिका में जाएँ, वही स्टैंडर्ड का वही टेस्ट और वही फीलिंग, चाहे आप अंदर देख लो चाहे आप किचन के अंदर जाके देख लो, आज आप सबको इनविटेशन है, आप जाके देख सकते हो कैसा है। एंड दैट इज़ वाई द पार्टनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उन वैसे लोगों को चुनोगे जहाँ पर हमारा ज़्यादा एफर्ट जाता है, देन उसके आगे आपको फिर प्रॉब्लम्स कम होंगे। रणवीर जी हमेशा से हमने देखा है कि फूड को आप बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अभी बिग बॉस में भी हमने देखा कि इमोटिकॉन, मेरे को एक्चुअली अगर आप देखें तो आप बहुत सही बोल रहे हैं, इंडियन फूड या इंडिया में फूड वो इक्वालिटी मेरे को बहुत जरूरत है। बिकॉज अगर आप अगर आपने देखा बिग बॉस में भी जो हम कह रहे हैं वो बिरयानी को, बिरयानी के जो इमोटिकॉन है उसको प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप देखो वर्ल्ड में आप किसे बात कर रहे हो मुझे भूख लग रही है और आप अगर कोई इमोजी भेजते हो, कोई इमोटिकॉन भेजते हो, तो उसमें या सुशी है या बर्गर है या फ्राइज है
या अलग अलग चीजें, लेकिन अपना ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार ये अच्छा ये इंडियन खाने की बात कर रहे हो. सो दैट इज द थिंग जो MTV ने शुरू किया. एंड यू आर राइट कि मुझे खाने, इसीलिए मैंने ये बोला कि अगर हम यहाँ पर इतने बड़े फूडीज हैं, हमारे को हर तरीके का खाना और उस स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए. तो ये आपने एक अच्छी चीज पकड़ी. I'm happy. पाजी, आपने कहा जैसे ट्रैवल वगैरह भी करते हैं आप, यू नो ये हम कुछ चीजें देख रहे थे यहाँ पे, इट्स वेरी कन्वीनिएंट. आप एक ट्रैवल करते वक्त भी आप लेके हैं, यू कैन ट्रैवल इट अराउंड. तो डोनर एंड जायरोस का ना, एक्चुअली मैं जब 2001 में मैं अमेरिका में काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन में, तो वहां पर मैंने देखा था कि जब भी यंगस्टर्स बाहर जा रहे हैं, या पार्टी के बाद, या पार्टी से पहले, या काम के बाद, या काम से पहले, या काम के बीच में, ये डोनर का बहुत सिस्टम सही था. वो ऐसा जाते जाते ऐसा बस बोलते थे, खट उठा के ले जाते थे, और कहीं पर भी बैठ के खाएंगे यार, रास्ते में चलते चलते खाएंगे. तो इट्स अ ग्रेट पॉइंट. ये बैठने का, एंजॉय करने का एक अलग है, बट डोनर एंड जायरोस एक ऐसा फूड है जो आप कभी भी, और अब क्या है कि इंडिया में भी ऑर्डरिंग बहुत हो गया, आप ऑफिस में हैं, यहाँ के आसपास भी काफ़ी ऑफिस हैं, आप कॉलेज में हैं, घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो ऑर्डरिंग इन या जस्ट पिकिंग अप एंड गोइंग के लिए भी ये आइडियल है, क्योंकि फ्रेश सामान है जो भी आप ऑर्डर करोगे, फ्रेश आपके सामने कटता है, और जो वेजिटेबल्स वगैरह आपके सामने डलते हैं, तो आप कहीं पर भी इसको एंजॉय कर सकते हो. आपसे जानना चाहूंगा कि ये फ्रेंचाइजी को आप आगे कैसे लेके जाने वाले हैं, क्या क्या एक ही रखोगे या और भी करोगे? बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. सर ने ग्रैंड ओपनिंग करी है, ग्रैंड ओपनिंग के पहले हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रायल करके देखा, एंड आई गॉट सच अ गुड रिस्पांस कि दो सैटरडेज हमने किए हैं और लोगों की वेटिंग लग रही है बाहर. दे आर लिटरली वेटिंग. और एक एक तो इनका एक कोलैबोरेशन होने से ही ये अपने आप एस्टैब्लिश हो गया है कि ये हेल्दी होगा, और कुछ बहुत ही एंथुजियास्टिक जो इन सर के जो फैंस हैं, दे आर लाइक सच अ लॉयल फॉलोअर्स कि मुझे बस ब्रांड लेना ही था, मुझे बताना नहीं पड़ा व्हाट इट इज़ एंड व्हाट नॉट. वो अपने आप सब आते हैं, देखते हैं, मेरे पास सैटरडे संडे को बैठाने की जगह नहीं पड़ रही है. तो आई गेस सब सोच रहा हूँ, मैं फूड कोर्ट में होता तो कम से कम 400-500 लोगों को एक साथ खिला देता शायद. अच्छा आइडिया. देखिए, कुछ ना कुछ शुरू करने से ही आपको बाद में आइडियाज आते हैं, एंड अगर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, मेरा बस ये है, बढ़ेंगे हम तब अगर हमारा क्वालिटी उधर मेंटेन रहेगा. और वो जोर मैं यहाँ पर रोज डालता हूँ कि यार ऐसे खोलने के लिए तो हम बहुत खोल सकते हैं, लोग आएंगे उनको, लेकिन वो क्वालिटी वहाँ पर जब तक मेंटेन होगी तब तक हमारा नाम रहेगा, तब तक ये लॉयल लोग बोलेंगे हाँ ये अच्छा है इसीलिए हमें खाना है. तो बिकॉज हाँ, अगेन ये ऐसी चीज़ नहीं कि आपने गाड़ी एक बारी ले ली और फिर 10 साल बाद की, ये आप हर रोज हर हफ्ते यू नो बदल यू हैव टू कम बैक. तो इसलिए क्वालिटी पे बहुत जोर है, क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड सर्विस, कि जैसे ही कोई ऑर्डर करे उसको जल्द से जल्द मिल जाए गर्म या जैसा उनको चाहिए, एंड उसके बाद वो दोबारा आए. दैट इज व्हाट विल हेल्प. आल्सो आई वुड लाइक टू इंक्लूड, जो सर ने बताया नहीं, पर्सनली बहुत चेक रखते हैं हमारी सप्लाई चेन सही चल रही है कि नहीं, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. नई फ्रेंचाइजीज आना एक अलग चीज़ है, और पुरानी फ्रेंचाइजीज को रिटेन करना एक अलग चीज़ है. सर उसमें बहुत पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, एंड इट इज़ वेरी हैप्पी टू नो दैट कि इतने रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के हाथों में है मेरा इन्वेस्टमेंट हो या मेरे कस्टमर्स हो, वो सब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में है. प्रतीक भाई बहुत इन्वॉल्व, बिकॉज आप एक बार प्रचार करते हो, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आज इनको ऐसे इंक्वायरीज आएंगे कि हमें भी खोलना है, इधर भी खोलना है, उधर भी खोलना है, लेकिन जब ये वहाँ पर जाते हैं, मतलब काफ़ी देखते हैं कि कौन है, क्या इनका इसमें दिलचस्पी है, उनकी या ऐसा है कि फैमिली में एक खोल के दे देते हैं, या वो बच्चे जो हैं वो खुद इन्वॉल्व रहेंगे. अभी जैसे ये इन्वॉल्व हैं, इनके साथ में जुड़े हुए जो लोग इन्वॉल्व, तो हमें पता है कि ठीक है यार, ये इनका इट्स अ बेबी फॉर देम, दे वॉन्ट टू डू दिस. आज ये कह रहे हैं कि मुझे फूड कोर्ट में 500 लोगों को फीड, तो उसमें आपको पता लगता है कि यार ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी का रिसोर्सेज ज़्यादा है तो खोल दो, हाँ कितने घर में, यू नो ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो दो तीन जगह अगर नहीं होगा क्वालिटी, तो हमारा नाम खराब होना शुरू होगा. एंड दैट्स वो हम सोच रहे हैं एक लंबा ऐसा कि ऐसा खोलो कि जो भी जाए एक बार वो बोले कि यार हमारे जोधपुर में भी होना चाहिए, जोधपुर में एक्चुअली है, वो बोले कि यार वडोदरा में भी होना चाहिए, तो वडोदरा में भी खुल गया, कि कोई कहीं पर टेस्ट करता है बोलता है हमें अपने घर पर खुलना चाहिए, लोगों को वो हेल्दी और टेस्टी वो फूड चाहिए. और जैसा कि उन्होंने बोला था कि आप फैमिली के साथ आ सकते हो, एक शाम आपने मजे करे, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि अब मैं कल कॉलेज जा रहा हूँ या वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, तो वो उठा लिया या ले गए, वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो. तो मेन्यू में क्या क्या कुछ नया अगर आपको इंक्लूड कर सके, मुंबई के कुछ स्पेशल है सब? मतलब मील में मेन्यू में डेफिनेटली हम लोग रीजनलाइज कर रहे हैं इस फूड को. गीरोज है, ये ग्रीस का ओरिजिन था वैसे, अभी इसको इस फूड को रीजनलाइज कर रहे हैं हमारे तरह के टेस्ट. एक चिली पनीर हमने चिली पनीर इंट्रोड्यूस किया है, और इसके बाद बहुत सारी फलाफल हम लोग फलाफल हम लोग पहले से बहुत अवेयर है फलाफल के बारे में, वो भी हमारे गीरोज में है. एक कीमा रैप हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ
हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक एक रिसर्च होती रहती है इसके ऊपर, एक हमारी अलग जद्दोजहद है, वो दूसरी टीम उस पर काम कर रही होती है। एंड डेफिनेटली आज हम अगर क्वांटिटी की नंबर्स की बात करें तो मेरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और वो इसलिए है क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में लॉन्च करना भी वो गलत होगा, बिकॉज आप लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो हमसे। तो डेफिनेटली विच एवर थिंग विल बी कमिंग अप विल बी सर अप्रूव करते हैं उसके बाद। मैं यही बोलना चाहता था कि ये जो है ना एक बाहर का ब्रांड है, तो अभी तक से उन्होंने बहुत कंट्रीज में खोला है, उनको जब किसी और कंट्री से ऐसे सवाल ही नहीं आते कि इसमें क्या हम ये ऐड कर सकते हो नहीं। तो इस बार जब हम लोगों ने पिछली बार अहमदाबाद में एक पहला खोला था, वहाँ पे हमने बोला कि हमें वेजिटेरियन करना है, पनीर आलू का ये वो, तो वो जो हेड ऑफिस जो बंदा दुबई में बैठता है वो कह रहा है कि मेरे को इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप कहीं मिला ही नहीं जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए तुमने। अब उसको लग रहा है कि दुबई में इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, तो कह रहा है क्या मैं पनीर वहाँ पे भी खोल दूँ, क्या मैं वहाँ पे भी शुरू कर दूँ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जितने भी हमारे रीजनल लोग हैं अगर वो हमें आइडिया देते तो हमारा वहाँ पे हेड ऑफिस में ऐसा नाम ऊंचा हो जाता कि अच्छा एक और हमारा आइडिया है कि कीमा करो ये करो वो करो। तो इट्स गुड, बट हम आइडिया देते हैं, यहाँ से आइडिया आता है, हम आगे देते हैं, वो अप्रूव होता है, क्योंकि उनको भी उसका पूरा सप्लाई चेन बनाना है। अगर वहाँ पे अहमदाबाद में से आइडिया है वो पूरे हर इंडिया में वो पनीर वाला मिलना चाहिए। सो देयर इज अ प्रोसेस, बट जैसे इनका ऑनगोइंग रिसर्च है। प्रोफेशनल काम कुछ नहीं चल रहा है यार, सब बड़ा मुश्किल हो रहा है। अलग जो मेरा तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा काम के बारे में बात करें ना उतना कम होता है, क्योंकि जब कोई काम करते हैं तो वो दिख जाता है। अगर मैं आज बोलूं कि अभी स्पिरिचुअला चल रहा है तो वो आप खुद ही बोल रहे हैं हाँ चल रहा है, अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, रोडीज आने वाला है, तो उसके जैसे ही वो अपने आप मार्केटिंग शुरू हो जाएगी तो आपको पता लगेगा। अगर इंसान बोलता ना हाँ चार फिल्में हैं वो बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो एक्चुअली ज़्यादातर हो नहीं रहा होता है, या ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्टर को पहले खबर पहुँच जाती है और वो कहता है कि इसको नहीं लेंगे, बातें ज़्यादा करता है। तो बट फिलहाल जो दो तीन चीज़ें मैं जिनकी बात कर सकता हूँ कि अभी स्प्लिट्सला चल रहा है, रोडीज होने वाला है, होपफुली वो इस बारी मेरे को दोबारा ले लेंगे अगर उनके मन में हो। उसके अलावा मैंने पिछले साल एक वेब सीरीज की थी, उसका सेकंड सीजन शूट हो गया है, वो व्यू क्लिप के लिए था। एंड ऐसे ही स्पोर्ट्स लीग है एक मैंने शुरू किया है बास्केटबॉल का, उसका फिनाले सैटरडे संडे को बॉम्बे में है, तो अगर आप लोग आके देखना चाहें, स्पोर्ट्स को बहुत मैं सपोर्ट करता हूँ, और ऐसे स्पोर्ट्स को जिनको और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है इंडिया में, क्रिकेट को क्या ज़रूरत नहीं है, तो क्रिकेट हम सब इन्जॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे बास्केटबॉल, तो उसके लिए हमने लीग किया है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री से जिन्होंने उसमें टीम्स खरीदे हैं, सिमरन कौर मुंडी, मेलविन लुइस, ईशा गुप्ता, गुरसिमरन खंबा, ये सब लोग वहाँ पर हैं अपने अपने टीम्स के, और उनकी टीम्स अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आपस में लड़ रहे हैं, तो सैटरडे संडे बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और टच वुड अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा एक्चुअली बिग बॉस में जब लोग कंटेस्टेंट बन के जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अलग प्रेशराइज सिचुएशन होती है। मेरा वहाँ पे मैं वही कर रहा था जो मैं रोडीज और स्प्लिट्सला अलग अलग अपने शोज पे करता हूँ, एंड वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी, वायाकॉम के ही है एमटीवी कलर्स, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि तुम अपने तरीके से एक टास्क करो, और जब टास्क में वो लोग आपस में बातें कर रहे थे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मेरा घर है यार, ये मतलब दिस इज व्हाट आई डू, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था। ऑफकोर्स उसके बाद सलमान भाई के साथ मौका मिला इंटरेक्ट करने का, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, हम हमेशा वही बातें करते हैं जब हमने टाइम स्पेंड किया था एक साथ, तो इट वॉज ग्रेट। एंड आई थिंक सबको एक यूनिक चीज़ दिखी वहाँ पर कि हम इंडिया के लिए कुछ एक अतरंगी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना झंडा लहरा के बोल रहे हैं कि सब पेट्रियाटिक बन जाओ, पर सबको ऐसा लगा कि हाँ यार हम लोग आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं कि ये रोल, ये बर्गर, ये फ्राइज, भूख लग रही है, अपना भी इंडिया में कुछ होना चाहिए, एक इमोटिकॉन जिससे हम जो रिप्रेजेंट करें वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर बैठा होगा नॉर्वे में भी उसको भी ऐसा दिखेगा ये क्या चीज़ है, ये इंडिया का खाना है, तो यू नो इट्स दैट। तो इट वॉज गुड मैन, मज़ा आया बहुत वहाँ पे, लोग उनको ज़रा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती ज़रा छेड़ने की, वो पहले से छिड़े हुए हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। और कुछ स्टोर्स पे हमारा काम चल रहा है, और अभी दिल्ली के अंदर एक साथ 6 स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, और वो हमारी इसी मंथ में लॉन्चिंग की प्लानिंग है कि हम न्यू ईयर से पहले पहले एक साथ 5 स्टोर ओपन करेंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ऑलरेडी चल रहा है एक स्टोर,
पर अब एक साथ 5 स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं आपसे एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा अलग सवाल है, जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में, प्रियंका रेड्डी के बारे में आपने सुना होगा जिनके साथ, अगर आपको शेयर करना चाहे उस बारे में। यार ये एज अ आइकॉन लोग आपको फॉलो करते हैं, तो अगर आप देखो तो ये सिर्फ जब एक हादसा होता है ना तब बात करते हैं लोग, लेकिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर आप देखो रफ्तार यार, हम लोग हमेशा जिस भी मंच पे उसके बारे में बात कर पाए कि सेफ्टी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा अगर आप किसी को पकड़ लें और अगर हमारा कोर्ट जल्द से जल्द हमारा जुडिशल सिस्टम उनको सज़ा दे सकता है, और ऐसी सज़ा जिसकी वजह से बाकी के लोग ऐसी हरकत करने से सोच भी ना पाए, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या रेप कल्चर होता है क्या नहीं होता है, क्या ठीक है क्या नहीं है। कई लोगों को ये अगर आप एजुकेट ही नहीं करोगे तो बड़े होकर जब वो चीज़ें कर देंगे उसके बाद तो जिंदगियां ख़राब हो चुकी हैं ना, ये पहले से ही। तो एक तरीका ये है कि हमारे मेरी तरफ से कि जो हो रहा है उसको रोको, सेफ्टी बढ़ाओ और जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा सा इसको सख्त करो, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल और कॉलेज और घरों में और सोसाइटी में एजुकेट किया जाए कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि वी कांट वेट फॉर अच्छा एक और हुआ अब इनको पनिश करो, वो तो साइड बाय साइड होना चाहिए, लेकिन जो यंग बच्चे हैं लड़के लड़कियां हैं उनको एक साथ इक्वालिटी और एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हम सिर्फ फिर सज़ा देने वाले चीज़ पर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, यार ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, लेकिन हमें भी अपने तरीके से अपने बच्चों को, हमारे बच्चे हैं हमारे दोस्तों के बच्चे हैं, उनको सिखाना चाहिए आपस में जब खेल रहे हैं या जब एजुकेट कर रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, और वो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ये नहीं कि अच्छा अगर वो किसी चीज़ बारे पूछे तो आप उनको हाँ बाद में बात करेंगे, एजुकेट करो कैसे रिस्पेक्ट करनी है लड़कियों की, क्यों करनी है, अपने बच्चों को अपने लड़कों को डांटो घर पर, उनको अभी सीधा करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, और अगर हम आज का 2020 की बात करें, अभी किसी को एजुकेट करेंगे 2030 तक चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते, वो मेरा ख्याल है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि सिर्फ जब कोई हादसा होता है या जब कोई रिपोर्ट या न्यूज़ आती है उसके अलावा भी ये रोज़ हमारा कर्तव्य है कि अपने आसपास तो लोगों को एजुकेट करें और सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएँ औरतों के लिए, राइट। थैंक यू सो मच।